हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम बैक इन योर ऑन चैनल विद्या निकेतन एंड आई एम सुनीता श्रीवास्तव। चिल्ड्रन टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर SST बुक्स चैप्टर 12 आवर फॉरेस्ट, यानी हमारे वन या हमारे जंगल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई दिस एनिमल्स देन राइट द करेक्ट लेटर इन ईच बॉक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो जो पिक्चर्स हैं इनको आपने पहचानना है और उनके क्या नाम हैं उसके करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे डालना है। तो ये देखिए डाला हुआ है पहले से ही। तो जो पहला पिक्चर है हमारा वो नंबर सी चित्तल का है। इसके बाद जो पिक्चर है नंबर टू पे वो है घड़ियाल का, और जो कि ऑप्शन डी में है, यहाँ डी लिखा हुआ है। इसके बाद पिक्चर है अ ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का, ये एक बर्ड है और इसका ऑप्शन ए है, तो देखिए ए लिखा हुआ है। और लास्ट में बच जाता है एक ही रेड पांडा और वो है ऑप्शन बी। ओके, तो यहाँ पे ये पहले से मार्क किया हुआ है, तो आप भी अपनी बुक में कर लीजिए। चलिए हम चैप्टर पढ़ेंगे। फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। यहाँ पे है कि जो जंगल हैं हमारे, जो हमारे वन हैं, वो प्रकृति प्रदत्त हमारे लिए एक बहुत ही अनमोल उपहार है, यानी प्रकृति के द्वारा दिए गए हमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जंगल से हमें बहुत सारे फायदे हैं। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था, आपको मैंने साइंस में भी बताया था कि जंगल किस तरह से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत उपयोगी भी हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन भी इसी से मिलता है। और ये भी हम अगर कहें कि हमें इनसे फूड मिल जाते हैं, इनसे हमें वुड मिल जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स का ये क्या होता है, शेल्टर होता है, ये घर होता है। तो इस तरह से हम देखें तो फॉरेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइडियली 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अ कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट। एट प्रेजेंट ओनली अबाउट 1/4 ऑफ इंडियाज टोटल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट। वैसे तो अगर देखा जाए तो किसी भी देश के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी देश के का जो क्षेत्र है उसमें लगभग 1/3 पार्ट जो है वो जंगल ही होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान समय में हमारे देश भारतवर्ष में टोटल एरिया यानी कुल क्षेत्र का लगभग 1/4 भाग ही जंगल के अंतर्गत आता है। तो ये काफ़ी कम है और हमें अपने जंगलों को डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगलों का महत्व, जंगल हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू अस इन फॉलोइंग वेज। जंगल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे, चलिए हम जानेंगे कि कैसे जंगल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर वन, दे गिव अस प्योर एयर। वे हमारे लिए शुद्ध हवा देते हैं, क्योंकि जंगल से ही हमें फ्रेश एयर मिलता है, प्योर एयर मिलता है। वुड यानी कि वो हमें लकड़ियाँ देते हैं, फ्रूट्स यानी फल देते हैं, गम यानी गोंद देते हैं, और मेडिसिनल हर्ब्स और मेडिसिनल यानी कि जड़ी बूटियाँ भी वो हमें देते हैं। वुड फ्रॉम ट्रीज इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, पेपर, पेंसिल एंड मेनी अदर थिंग्स। जो लकड़ियाँ इनसे हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं वो उनसे बहुत से फर्नीचर बनाए जाते हैं, पेपर यानी कि कागज़ बनते हैं उनसे, पेंसिल्स बनते हैं और बहुत सारी अन्य दूसरी प्रकार की चीज़ें भी इन लकड़ियों से बनाई जाती हैं। नंबर टू, दे आर होम टू एनिमल। जंगल कई सारे जानवरों का आश्रय होता है, उनका घर होता है। नंबर थ्री पॉइंट है, दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। मिट्टी के कटाव को जंगल कैसे रोकते हैं, क्योंकि जो जंगल में जो पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, और जब तेज पानी का बहाव होता है तो वो मिट्टी को बहने नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें उनको सख्ती से पकड़कर या जकड़कर रखते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे फर्टाइल सॉइल हैं, जो हमारी उपजाऊ मिट्टी हैं, वो नहीं बह पाती और हमारी मिट्टी बच जाती हैं। तो इसलिए भी जंगल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखा आपने जंगल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अब हम पढ़ेंगे, यानी कि जंगल कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ आगे टेबल बने हुए हैं
और उनके थ्रू हम जानेंगे कि जो फॉरेस्ट हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे भारतवर्ष में कितने तरह के जंगल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है डेसिडियस फॉरेस्ट, और यहाँ देखिए मैंने पेंसिल से इसमें लिखा हुआ है इसका हिंदी, ठीक है। डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब होता है पर्णपाती या पतझड़ वन। दूसरा है माउंटेन फॉरेस्ट, जिसे हम पर्वतीय वन भी कहते हैं। और पर्वतीय वन कैसे होते हैं, ये होते हैं क्रिसमस ट्री, आपने ज़रूर देखा होगा, ये क्रिसमस ट्री की तरह होते हैं। इनके जो पत्ते होते हैं वो डेडल शेप यानी कि जो सुई होते हैं उनकी तरह का इनका पत्ता होता है। इनके अंदर ये नॉन फ्लोरिंग प्लांट में आते हैं, इनमें फूल नहीं होते हैं, लेकिन इनमें कोन पाए जाते हैं, कोन की तरह की बीज जैसा फल जैसा पाया जाता है, जो कि कोन की शेप का होता है, कोन की शेप यानी ट्रंगल शेप का होता है, ओके। नेक्स्ट है थॉर्न फॉरेस्ट यानी कटीले वन, यानी जैसे कि आप नाम से ही जान पा रहे होंगे कि थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि जो ऐसे जंगल जिनके पेड़ जो होंगे वो कांटेदार होंगे, उनमें बहुत सारे कांटे होंगे। इसके बाद है मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट को हम कहते हैं सदाबहार वन, और ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, ओके। चलिए आइए अब हम यहाँ ये टेबल देखते हैं और इसके माध्यम से हम जानेंगे कि फॉरेस्ट कितने तरह के होते हैं इंडिया में और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इन पेड़ों में विशेषताएं क्या होती हैं, कौन से जंगल में पाए जाने वाले किन पेड़ों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में कि कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उन फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस तरह के जो वन हैं या जंगल हैं वो भारत में कहाँ पाए जाते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उन पेड़ों की, उन जंगलों के में पाए जाने वाले पेड़ों की विशेषताएँ क्या हैं। तो सबसे पहला है हमारा एवरग्रीन, ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी इसे हम एवरग्रीन या रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। और इनमें जो पेड़ पाए जाते हैं जंगलों में वो हैं एबनी, महोगनी और रोजवुड। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये पेड़, ये जंगल पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं ये पेड़, ये जंगल। और इन जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ों की विशेषता ये है कि द ट्रीज़ डू नॉट शेड देयर लिप्स, कि ये जो पेड़ हैं, यहाँ पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते कभी नहीं झड़ते, दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, और ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इनका नाम है एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके। नेक्स्ट है हमारा डेसिडियस, ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। दूसरा जो हमारा फॉरेस्ट है वो है डेसिडियस, जिसे कि हम कहते हैं पतझड़ वन। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनके पत्ते झड़ जाते होंगे, तो इन डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं वो होते हैं टी, साल और सैंडलवुड। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, यानी हिमालय के तलछटी वाले भाग में, निचले भाग में पाए जाते हैं, और साउदर्न प्लेटू यानी दक्षिण के पठार में भी ये वन पाए जाते हैं। इनकी, इन पेड़ों, इन जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ों की विशेषता ये है कि द ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, कि ये ड्राई सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं या इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा थॉर्न, थॉर्न का मतलब क्या होता है, कांटा। तो इन थॉर्न फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो पेड़ हैं वो होते हैं बबूल, कीकर, थॉर्नी श्रब्स। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं राजस्थान में, गुजरात में और हरियाणा में। इन पेड़ों की खासियत ये है, इन जंगल में पाए जाने वाले पेड़ों की विशेषता ये है कि द ट्रीज़ हैव लॉन्ग रूट्स, कि इन पेड़ों के जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, थिक बार्क्स, इनके जो इन पेड़ों के जो बार्क्स होते हैं, जो छाल होते हैं ट्रंक पर, वो मोटी होती हैं, शार्प थॉर्न्स होते हैं यानी कि तेज कांटे होते हैं इनमें, एंड स्मॉल लिप्स, और इनके जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड, और ये बिना पानी के भी काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। तो इनके जो पत्ते होते हैं वो इसलिए छोटे होते हैं ताकि इनके इनके पत्तों से जो वेपोरेशन होता है वो कम हो और इनमें जो वाटर रिड्यूस होते हैं वो कम हो।
ताकि ये पेड़ ज़्यादा समय तक बिना पानी के भी रह सकें। नेक्स्ट है हमारा माउंटेन, ऑल्सो कॉल्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। और अगला जो अगले टाइप का जो हमारा फॉरेस्ट है वो है माउंटेन या पर्वतीय वन, और जिसे हम कहते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। और इनमें पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं वो हैं फर, पाइन, स्प्रूस। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं द हिमालयाज़, यानी हिमालय में पाए जाते हैं, द हिमालयाज़ और नीलगिरी हिल्स में भी ये पाए जाते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ों की विशेषता ये है कि द ट्रीज आर टॉल एंड हैव पॉइंटेड, कि ये पेड़ काफ़ी लंबे होते हैं और पॉइंटेड यानी कि कोन शेप के होते हैं, पॉइंटेड यानी नुकीले होते हैं। नीडल शेप्ड लीव्स, इन पेड़ों पे जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो सुई की तरह के होते हैं, सुई के आकार की होते हैं, यानी सुई की तरह ये पतले पतले पत्ते होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा क्रिसमस ट्रीज में जो पत्ते होते हैं उनकी तरह। दे बियर कोन्स, ये मोस्टली नॉन फ्लोरिंग प्लांट यहाँ पे पाए जाते हैं, इनमें फ्लावर नहीं आते लेकिन इनमें कोन्स पाए जाते हैं। कोन्स एक तरह का ना फल की तरह होता है ना ही ये फूल की तरह होता है, ये कोन्स शेप का होता है और इनमें कुछ बीज पाए जाते हैं वो भी शायद कोन शेप की ही होती हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनग्रोव, ऑल्सो कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट। और इनमें जो पेड़ पाए जाते हैं उन्हें हम सुंदरी कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है ये पेड़ वहीं पाए जाते हैं, यानी दलदली इलाकों में ये पेड़ पाए जाते हैं। ओके, द ट्रीज हैव स्पेशल रूट्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। इनमें क्या होता है, इन पेड़ों में स्पेशल रूट होते हैं जो कि जमीन से ऊपर उग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन दलदली इलाकों में जो पेड़ होते हैं ये सांस नहीं ले पाते हैं, इनको एयर नहीं मिल पाता है इनके जड़ों को, इसीलिए इनकी जड़ें ऊपर उग जाती हैं ताकि ये हवा ले सकें और जड़ों को ऑक्सीजन मिल सके और ये पेड़ अपने लिए सांस ले सकें। तो इसलिए इन पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के ऊपर पाई जाती हैं। ये देखिए, ये है मैनग्रोव फॉरेस्ट की जड़ें जिनके रूट बाहर निकल आए हैं, ज़मीन से बाहर निकल आए हैं, ये ओके, ये वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ये देखिए टाइप ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे है। एवरग्रीन फॉरेस्ट का सिंबल ये वाला है, देखिए ये डेसीडियस में इस तरह के जो पेड़ ये वाले हैं, ये सारे डेसीडियस हैं। और एवरग्रीन फॉरेस्ट ये देखिए, ये वाले हैं सारे, ओके। इसके बाद थॉर्न फॉरेस्ट जो हैं कांटे कटीले वन वो यहाँ हैं। और माउंटेन फॉरेस्ट देखिए ये वाले हैं, कौन से वाले, तो ये हैं हमारे माउंटेन फॉरेस्ट। यहाँ भी ये सारे पहाड़ी जो क्षेत्र हैं हमारे वहीं पाए जाते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे देखते हैं चेक पॉइंट। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। नंबर वन, एट प्रेजेंट 1/3 ऑफ इंडियाज टोटल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट, तो ये फॉल्स है, यहाँ एफ लगा रखा है हमने। नंबर टू, मेनी मेडिसिनल हर्ब्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, यस दिस ट्रू, तो टी लगा देंगे। नंबर थ्री, एवरग्रीन ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन, तो एफ लगा देंगे क्योंकि एवरग्रीन ट्रीज के पत्ते कभी नहीं झड़ते, हमेशा वो हरे भरे रहते हैं। नंबर फोर, थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन केरला, तो ये फॉल्स है, केरला में इस तरह के थॉर्न फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं, डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर फाइव है, द सुंदरी ट्रीज ग्रोज इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ओके। चलिए आइए अब हम पढ़ेंगे सेव द फॉरेस्ट, यानी वनों का बचाव, या वनों को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नाउअडेज ह्यूमन आर कटिंग ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, आजकल क्या है कि मनुष्य बहुत बड़े पैमाने पर वनों की कटाई करते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बिल्डिंग्स बनानी हैं, सड़कें बनानी हैं, हॉल बनाने हैं, मॉल बनाने हैं, और उसके लिए उनके पास स्पेस नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, वे लगातार वनों की कटाई कर रहे हैं, वनों का सफाया कर रहे हैं।
दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, इसे ही हम कहते हैं वनों की कटाई करना। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट नॉट ओनली बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस बट ऑल्सो बिकॉज आवर सर्वाइवल डिपेंड ऑन दैम। वी कैन प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट इन टू वेज, एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। हमें अपने वनों की रक्षा केवल इसलिए ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे हमारे लिए उपयोगी हैं, बल्कि इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि जो हमारा अस्तित्व है वो इन्हीं पर निर्भर करता है। अगर वन नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन वनों से मिलता है और ऑक्सीजन ही क्यों, हमारी ज़रूरतों की बहुत सारी चीज़ें इन्हीं वनों से मिलते हैं। हम अपने वनों की रक्षा दो तरह से कर सकते हैं, एक तो एफॉरेस्टेशन और एक रिफॉरेस्टेशन। तो ये एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन क्या है? प्लांटिंग ट्रीज इन एन एरिया दैट वाज नॉट अ फॉरेस्ट अर्लियर इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। यानी कि एफॉरेस्टेशन क्या कहलाता है? एफॉरेस्टेशन वो होता है जहाँ की प्लांटिंग ट्रीज इन एरिया दैट वॉज नॉट फॉरेस्ट अर्लियर, जहाँ की पहले उन क्षेत्रों में जंगल बनाना जहाँ की पहले जंगल नहीं थे उनको जंगल के रूप में कन्वर्ट करना, वहाँ पेड़ लगाना और उन्हें जंगल का रूप देना, जंगल में कन्वर्ट करना, उस एरिया को एफॉरेस्टेशन कहलाता है या वृक्षरोपण कहलाता है। और रिफॉरेस्टेशन क्या है? प्लांटिंग ट्रीज ऑन डिफॉरेस्टेड लैंड इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पुनः जंगलों को लगाना, ठीक है, पुनः जंगलों को लगाना। यानी जिन जगहों पर पेड़ बहुत ज़्यादा कट चुके हैं और वो पेड़ों से रहित हो गया है वो क्षेत्र, और उन जगहों पर दोबारा से पेड़ लगाकर उनको जंगल बना देना कहलाता है रिफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन उन जगहों पर जहाँ पे पहले जंगल नहीं थे और उन जगहों को जंगल में कन्वर्ट करना एफॉरेस्टेशन कहलाता है, और रिफॉरेस्टेशन जिन जगहों पर जंगल समाप्त हो चुके थे और पुनः वहाँ पर वृक्ष लगाकर जंगल का रूप देना या जंगल बना देना रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। वाइल्ड एनिमल्स का मतलब होता है जंगली जानवर या जंगली जीव जंतु। तो यहाँ पे इंडिया हैज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, हमारे भारतवर्ष में बहुत से तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं। इन द पास्ट पीपल हंट वाइल्ड एनिमल्स, बहुत पहले लोग क्या करते थे, इन जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। दस मैनी एनिमल्स बिकेम एक्सटिंक्ट, इसलिए क्या हो गया था कि बहुत सारे जानवर विलुप्त हो गए, बहुत सारे जानवर जो हैं वो लगातार उनकी हंटिंग होने की वजह से, उनका शिकार होने से क्या हो गए, वो विलुप्त हो गए। यानी विलुप्त होना मतलब क्या होता है, उनकी प्रजाति बिल्कुल ख़त्म हो जाना और वो अब नहीं दिखते। हंटिंग इज़ नाउ बैंड इन आवर कंट्री, और इसीलिए क्या हुआ कि अब हमारे देश में शिकार करने पर बैन लग गया है, प्रतिबंध लग गया है। ऑल्सो टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल एंड टू सेव द फॉरेस्ट द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पे देखिए, हमारे देश में अब शिकार पर क्या लग गया है, प्रतिबंध लग गया है, और साथ ही जंगली जानवरों की रक्षा के लिए सरकार ने पूरे भारत में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए हैं, जहाँ की इन जानवरों को प्रोटेक्ट किया जा सके, इनको सुरक्षित रखा जा सके। अ नेशनल पार्क इज एन एरिया रिजर्व फॉर प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा रिजर्व एरिया है, एक ऐसा संरक्षित एरिया है जहां पर वाइल्ड लाइफ को या जंगली जीवों को प्रिजर्व किया जाता है, उन्हें संरक्षित या उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। फॉरेस्ट एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ अ रीजन, ताकि जो जंगल की सुंदरता है, जंगल की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे, बनी रहे, क्योंकि जंगली जीव अगर जंगलों में नहीं होंगे तो जंगल की सुंदरता कैसे बनी रहेगी। तो हमारे जंगलों की सुंदरता बनी रहे इसीलिए नेशनल पार्क हमारे भारत सरकार ने बनाए हैं, ताकि जंगल में जंगली जानवर सुरक्षित रहें और हमारे जंगलों की सुंदरता भी बनी रहे। अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया रिजर्व फॉर इंडेंजर्ड एनिमल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वन्य जीव अभयारण्य हैं
वहाँ पर जो विलुप्त होते हुए जानवर हैं, जो जानवर ऐसे हैं जो कि विलुप्त हो रहे हैं, उन जानवरों के संरक्षण के लिए वन्य जीव अभयारण्य खोले गए हैं ताकि ये विलुप्त होते हुए जीवों को बचाया जा सके। एलिफेंट एंड ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस आर प्रोटेक्टेड एट द काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क इन असम। तो यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय उद्यानों में जो कि काजी असम में जो काजीरंगा है और मानस राष्ट्रीय उद्यान है, वो हाथी और एक सींग वाले बड़े जो राइनोसोरस होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है असम में, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एशियाटिक लायंस लिव इन द गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। जो एशियाई लायंस हैं यानी जो एशियाई शेर हैं वो गुजरात के गिर के वन में संरक्षित हैं, उन्हें वहाँ सुरक्षित रखा गया है, या जो गुजरात का गिर नेशनल पार्क है वहाँ पर एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द सुंदरवन इन वेस्ट बंगाल इज होम टू द बंगाल टाइगर। द टाइगर्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड इन द जिम कॉर्बेट एंड रणथंभौर नेशनल पार्क्स। पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है वहाँ पर बंगाल टाइगर या बंगाल बाघों का घर है, और जिम कॉर्बेट और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में भी बाघों को सुरक्षा प्रदान की जाती हैं। आगे है, यहाँ देखिए स्नो लियोपार्ड आर फाउंड इन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। जो स्नो लियोपार्ड हैं वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में संरक्षित हैं, उन्हें वहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाती हैं, और ये भी एक वन्यजीव अभयारण्य है। द रान ऑफ कच्छ इन गुजरात इज होम टू द इंडियन वाइल्ड एसेस। गुजरात के कच्छ के रान में भारतीय जंगली गधों का घर है। तो यहाँ है देखिए, ये हैं जंगली गधे, इंडियन वाइल्ड एसेस हैं, ये वन हॉर्न राइनोसोरस हैं, और ये है हमारा स्नो लियोपार्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड इन द सुल्तानपुर एंड रणथट्टू बर्ड सेंचुरी। जो पक्षियों के लिए जो अभयारण्य है वो सुल्तानपुर और रंगनथट्टू में चिड़ियों का अभयारण्य है, और यहाँ पर ये पक्षी सुरक्षित हैं, ये उनका घर है। तो ये है देखिए, और यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, लेकिन इसमें कुछ न्यू वर्ड्स आए हुए हैं जिनको मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगी। कोन, जो कि मैंने आपको बताया था, कोन शेप्ड वुडी फ्रूट और कॉनिफेरस ट्री। कॉनिफेरस जो पहाड़ी पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं, जो कि नॉन फ्लोरिंग होते हैं, जिनमें फूल नहीं होते। मैंने आपको बताया था कि वो ना तो फल की तरह होता है ना ही फूल की तरह होता है, कोन शेप का होता है, तो वो यही वाला है ये, और इसे हम कहते हैं कोन। नेक्स्ट है हमारा इनडेंजर्ड हेयर एनिमल दैट आर एट रिस्क ऑफ डाइंग आउट। जो जानवर रिस्क पर हैं, जो अब ख़त्म होते हुए हैं, उनको हम कहते हैं इनडेंजर्ड एनिमल। टू एंश्योर दैट इनडेंजर्ड एनिमल डू नॉट बिकेम एक्सटिंक्ट वी नीड टू प्रोटेक्ट देम। तो ये इनडेंजर्ड द विलुप्त होते हुए, जैसे कि अब वो ख़त्म होने के कगार पे हैं, उनको इनडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं, और उन्हें प्रोटेक्ट इसलिए किया जाता है ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाएं, वो विलुप्त ना हो जाएं, इसीलिए हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, और आप दोबारा से एक बार इस चैप्टर को पढ़ें, और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, और अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और बुक की बैक एक्सरसाइज के साथ।
तब तक आप अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू एंड बाय, हैव अ नाइस डे।